जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को MSP मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा? तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया, उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। और हमारी सहयोगी रंजिता हमारे साथ जुड़ी हुई थी जो कि ये बता रही थी कि देखिए विपक्ष जो है जोरदार हंगामा कर रहा है, प्रदर्शन आपको संसद के बाहर अभी देखने को मिल रहा है और यही तस्वीर कमोबेश ऐसा ही हंगामा आपको आज संसद भवन के अंदर भी देखने को मिलेगा क्योंकि बजट पर चर्चा होनी है। और इस जो अन्याय हुआ सबको, बजट में कोई न्याय नहीं मिला, वो न्याय दिलाने के लिए हम लड़ रहे हैं। वही देख सकते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट कल पेश किया था और उस बजट को लेकर इंडिया एयरलाइंस के जितने भी सहयोगी दल हैं आज संसद भवन के अंदर मकर द्वार के पास अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस बजट में बाकी राज्यों को कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार को दिया गया क्योंकि अलायंस की ज़रूरत है NDA को और अगर दोनों सहयोगी दल नाराज हो जाते हैं तो ये सरकार गिर जाएगी, इसलिए कुर्सी बचाओ बजट का नाम दिया गया। आप संसद भवन। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now स्वदेश।